हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से बीएड और बीटीसी को लेकर के काफ़ी जो है मतलब मामला गरमाया हुआ है, और इन टॉपिक्स पे जो है कोई भी कमेंट करने को लेकर के नहीं है, क्योंकि अगर कोई बीएड के सपोर्ट में आता है तो बीटीसी वाले जो बच्चे हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, और अगर कोई बीटीसी के सपोर्ट में आता है तो जो बीएड वाले बच्चे हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो इसमें हम आज बात करेंगे कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ है और क्या सुनवाई फिर से आगे बढ़ सकती है, और क्या आगे क्या हो सकता है, और कहां कहां पे जो है बीएड को लेकर के ऐसी जो है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जो है याचिकाएँ वो डाली गई हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब बहुत से कमेंट्स आपके मिले हैं मुझे लास्ट वीडियो में, और 98 समथिंग कमेंट्स आपके मिले हैं, और अभी भी स्टिल आप लोग कमेंट कर रहे हैं, और आपके कमेंट्स को देख करके मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं वो मतलब इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। ठीक है, तो देखिए आज की जो सुनवाई हुई है उसमें आपको बता दें कि यहाँ पे जो सुनवाई थी वो पहली जो सुनवाई थी फर्स्ट हियरिंग डेट वो 16 फरवरी थी। ठीक है, और उसके बाद में 16 मई को इन लोगों ने डेट दी थी कि 16 मई को हम केस सुनेंगे। इसका भी कोई नेक्स्ट डेट नहीं दिया है, शायद मुझे जानकारी नहीं है, बट 16 फरवरी के बाद में 16 मई को आज सुनवाई हुई थी और कोर्ट नंबर 32 में सुनवाई की गई थी। ठीक है, और जो हमारा नंबर था, ठीक है, जो बीएड वाले बच्चे थे उनका जो नंबर था वो 57 नंबर था। तो इसको लेकर के मॉर्निंग में जो है सुनवाई की गई थी, जो जजेस थे उन्होंने सुना था। सुनवाई मुश्किल से 4 से 5 मिनट सुनवाई हुई थी, या 3 से 4 मिनट कह सकते हैं, मतलब 5 मिनट जो है मनमन सुनवाई हुई थी। और इस केस को जो है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवाइज कर दिया गया था, कि ये कह दिया गया था कि उसको हम दोबारा सुनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कह सकते हैं केस था उसको सुनाई स्टार्ट हो गई थी, तो इसको जो है बाद में कहा था कि बाद में इसको सुन लेंगे। इसकी 5 मिनट तक जो है कार्रवाई हुई थी, और कोई ठोस सबूत या कोई ठोस सॉलिड चीज़ें नहीं कह पाने के कारण इसको बोल दिया गया कि थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया था शाम को इवनिंग के लिए, और इवनिंग में इसको फिर से सुना जाने वाला था, लेकिन जो है मतलब 57 नंबर तक जो है नंबर नहीं आ पाया, और उससे पहले ही जो है टाइम वो एंड हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जज हैं वो सिद्धार्थ हैं। ठीक है, और सिंगल बेंच जो है सुनवाई कर रही, मतलब एक जो सिंगल बेंच में सिर्फ एक जज होते हैं और वही सुनवाई करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब ऐसी जो रिटें हैं, जो ऐसी जो PIL हैं, जो ऐसे केसेस हैं वो और भी स्टेट में हैं, ये यूपी की ही बात नहीं है, और ये जो जोधपुर जो हाईकोर्ट है उसको लेकर के जो ये हर जगह उसी को आधार मान करके जो है कह सकते हैं दिल्ली में भी हो रखा है, और हरियाणा में भी हो रहा है, और मतलब और भी स्टेट्स हैं, उनकी मुझे नाम नहीं पता है, बट ये है कि सुनने में आया है कि ऐसे जो केसेस हैं और जगह भी जो है लिस्टेड हुए हैं। ठीक है, तो आज हुआ यही है कि आज कुछ खास नहीं हुआ है। नेक्स्ट डेट जो है वो मुझे पता नहीं है कि क्या डेट दी है, तो बहुत से बच्चे परेशान हैं, मैं समझ सकता हूँ, और मैं आप सभी लोगों का दर्द समझता हूँ कि एक सरकार जब कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाती है तो उसका जो रिजल्ट है हम बच्चों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, हम लोगों को झेलना पड़ता है जब वो एक चीज़ डिसाइड नहीं कर पाती है, उसका जो परिणाम होता है वो बच्चों को झेलना पड़ता है। वो तो बैठे बैठे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन से कितने लोगों के जो हैं वो कह सकते हैं सपने टूट जाते हैं, कितने लोगों के कह सकते हैं कि घर टूट जाते हैं। ठीक है, लोगों की शादियाँ तक टूट जाती हैं, क्योंकि अब आप ये सोचिए कि बहुत से बच्चे जो बीएड किए हुए हैं वो आस लगाए बैठे थे कि हमको भर्ती देखने को मिलेगी टेट करने के बाद में, तो पहले टेट पे मेहनत करी। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी पे ही बहुत से बच्चों ने फोकस किया, क्योंकि उनको ये था कि हम प्राइमरी पे ही फोकस करेंगे, तो प्राइमरी का हमको निकालना है, प्राइमरी से मतलब है, प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जूनियर की वैकेंसी का तो कहीं आता पता ही नहीं है, पिछले 8-7 सालों में कहीं जूनियर की वैकेंसी मैंने सुनी ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों ने बहुत सारी उम्मीदों के साथ में TET दिया, CTET की तैयारी करी, और सोचा कि बीएड के जो प्राइमरी के बीएड कर लिया है प्राइमरी की भर्ती आएंगी। एक तो भर्ती पे बेवकूफ बनाया गया, भर्तियां भी नहीं दी गई, वैकेंसीज भी नहीं दी गई, टालते टालते TET का पेपर भी लीक कर दिया गया, उसके बाद में फिर चीज़ें इतनी भी चीज़ें हुई, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सिक्वेंस बेस पर हुई हैं। ठीक है, अब ये कह लीजिए कि क्या ये अभी होना था, लेकिन ये हो रहा है। ठीक है, बट चलिए कोई नहीं, BTC वाले बच्चे भी थोड़ा सा ये सोचते हैं कि मतलब अगर बीएड वाले बाहर निकल जाएंगे तो मतलब हमको आराम मिल जाएगा, और वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जो NCT की गाइडलाइंस हैं उसमें स्पष्ट रूप से मैंशन है, ठीक है, कि बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे बीएड BTC वालों की गलती मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब NCTE ने ऐसा रूल बना दिया है तो उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब BTC वाले जो हैं जिस तरीके से उनको तो बेनिफिट चाहिए, हर किसी को अपना देखता है, वो सामने वाला का नहीं देखता है, यही लाइफ है, और ये आज के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है कि लोग अपना देखते हैं सामने वाला का नहीं देखते, क्योंकि उनको पहले से एक
कहावत कही गई है ना कि जब आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहनेंगे तभी तो आप दूसरों को सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन ये उनके लिए है जो थोड़ा सा काइंड टाइप के पर्सन है, ठीक है। तो वही चीज़ ये है कि यहाँ पे आज के टाइम जो प्रतीक मिश्र और जो चार अन्य लोग हैं उन लोगों ने याचिका जो है दायर की है, और तानिया जो पांडे हैं इन्होंने जो है कह सकते हैं कि एक कोर्ट केस इनका लड़ रही है, एडवोकेट हैं ये इनकी, और यहाँ पे स्टेट ऑफ यूपी और जो कह सकते हैं जो शिक्षा मंत्रालय है और साथ ही साथ में जो भारत सरकार है, ठीक है, तीनों ने मिलकर के जो है ये यहाँ पे एक कोर्ट जो है कोर्ट केस में सुनवाई हो रखी है, ठीक है। और जो इनके केसेस जो इनके एडवोकेट हैं वो ऋषि श्रीवास्तव हैं और धनंजय अवस्थी जी हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरा ये कहना है कि पैनिक मत होइए, कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को जोड़िए, अगर क्योंकि पता नहीं मतलब कल के दिन क्या हो जाए, कुछ भी मतलब हो सकता है, शायद बी एड वाले बाहर ही हो जाएं, तो आई थिंक एक यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को अगर आपको जीतना है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी यूनिटी बनाए रखें, और इम्पोर्टेंट ये है कि जो BTS वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा मतलब BEd वाले बच्चों को लेकर के इतना अग्रेशन ना दिखाएं, क्योंकि जब मैंने देखे हैं कमेंट्स देखे हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि मतलब BEd वाले बाहर होने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये हक है, अगर BTC वाले इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो ठीक है, और रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग तो जो होगा वही एलिजिबल माना जाएगा, हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं जो BEd वाले बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चों के कमेंट देखने को मिले हैं, लोग बच्चे कह रहे हैं कि मतलब अगर दम है तो BTC वाले पास करके दिखाएं, ठीक है, मतलब वो ये हम लोगों को बाहर क्यों निकाल रहे हैं। तो इस तरीके के कमेंट्स मतलब हेट कमेंट मत करिए, क्योंकि आप लोग अपना वैलिड तर्क दीजिए, अच्छे से तर्क दीजिए, और हेट कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस तरीके से कमेंट मत करिए, अपना जो है पॉजिटिव वे में या थोड़ा सा तर्क दे करके बात करिए। वैसे भी जो होगा वो स्टेट डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर लीगल होगा तो BEd वालों को एलिजिबल कर दिया जाएगा, और अगर लीगल नहीं होगा तो उनको मतलब हाँ BTC BEd वालों को बाहर भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ फिर एक बात ये उठती है कि अगर BEd वाले बाहर कर दिए जाएंगे तो जो अभी हाल ही में 2019 की वैकेंसीज आई थी, ठीक है, उसमें BEd वालों को कैसे ले लिया गया, फिर तो वो वैलिड जो वैकेंसीज जो भरी गई हैं वैकेंसीज BEd वालों की वो भी इनवैलिड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो गड़बड़ी आज है वो गड़बड़ी पहले हो चुकी है, तो उसको सुधारने के लिए तो आप कुछ अगर नया करेंगे तो फिर ये चीज़ हम लोगों के लिए ही क्यों नहीं हो सकती, जो BEd बच्चे हैं उनके लिए ही क्यों ना हो, ठीक है, उनके लिए भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम चीज़ यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को यूनिटी बनाई रखनी है और चैनल से जुड़े रहना है, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आती है आपके साथ में मैं जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बनाया भी था जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि TT के प्रमाण पत्र हैं उन पर रोक लगा दी गई है, और CTET का जो है रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है बहुत से बच्चों का, तो उस पर मैं वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। बाकी अगर आप चाहें तो YouTube पे आप देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो पड़े होंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।